हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये हमारी आर्टिका गाड़ी है और 80 मॉडल है, 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो इसमें ये गियर सिस्टम है, इसके बारे में कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इसके बारे में बहुत से लोग आते हैं, हमारे कस्टमर भी आते हैं, पूछते हैं आखिर इन सब जो लिखा हुआ है इनका PR ND 2 और L, यहाँ पे लिखा है ओवरड्राइव और यहाँ पे लिखा है शिफ्ट लॉक, तो इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करूँ यहाँ से, पी से। तो ये है हमारा पार्किंग है, अगर इसमें हम पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी तो उसके बाद अगर हम गाड़ी स्लोप में भी रहेगी गाड़ी तो ये एक तरह से हैंड ब्रेक का काम करता है, इसमें गाड़ी हमारी चलती नहीं है। ये हमारा है रिवर्स गियर, ये गाड़ी हमारा न्यूट्रल आ गया, न्यूट्रल में अगर हम हैंड ब्रेक नहीं लगाए रहेंगे तो गाड़ी हमारी पीछे गिर जाएगी। उसके बाद ये हमारा ड्राइव मोड है, इसमें अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो ये 4 स्पीड में हमारी गाड़ी चलेगी। तो इसको मैं चला के पहले दिखाता हूँ, 1 2, ठीक है, ये ड्राइव मोड लग गया है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में ड्राइव मोड शो हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे स्पीड चेंज होती है तो उस समय RPM थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी मैं पहले गियर में गाड़ी चली, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, दूसरा गियर लग गया इसमें और अब थोड़ी गाड़ी चलेगी, ये दूसरा गियर लगा फ्लक्चुएट हुआ और तीसरा गियर लगेगा तो भी फ्लक्चुएशन आपको मैं देखेंगे। ये देखिए तीसरे गियर में भी RPM फ्लक्चुएट हुआ और इसके बाद फिर ये जहाँ ये चौथा गियर लगेगा तो भी फ्लक्चुएशन मिलेगा। तो इस तरह से आप महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लक्चुएशन है बहुत ही कम होता है 80 मॉडल का, और AMT मॉडल में आपको बहुत फील भी होगा कि आपका फ्लक्चुएट हुआ, गाड़ी की स्पीड थोड़ी देर के लिए स्लो भी होती है नैनो सेकंड के लिए, लेकिन 80 मॉडल में ये स्लो नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी 4th स्पीड में चलेगी गाड़ी और कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइव मोड में हमारी गाड़ी आराम से हम चला सकते हैं। और अगर मैं अब बात करूँ L और 2 के बारे में, तो इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसको देखेंगे हम, जैसे गाड़ी हमारी रुक गई है और देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक स्टॉप थी तो एक ही लाइट जल गई, ऑटोमेटिक गाड़ी स्टॉप हो गई है। ये अभी हमारा ड्राइव मोड में है, देख सकते हैं। और अगर मैं इसे 2L में रखूँगा तो गाड़ी की जो 4 स्पीड है वो सिर्फ 2 गियर सिस्टम में काम करेगी, और L में रखूँगा तो सिंगल लो स्पीड है तो ये फर्स्ट गियर के में काम करेगी। तो इसको मैं सबसे पहले L में ही रख दे रहा हूँ। तो ये L में जैसे मैंने रखा है गाड़ी, ये गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई है, L मोड में आ गई है गाड़ी अब, और अब मैं चला रहा हूँ तो अब देखेंगे इसका RPM बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ये गाड़ी का RPM बढ़ने लगेगा और स्पीड बहुत धीमे बढ़ेगी। देख सकते हैं ये RPM बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो जैसे हम मैनुअल गाड़ी भी चलाते हैं फर्स्ट गियर पर, तो ऐसे ही ये चलती है गाड़ी। और अब मैं सेकेंड स्पीड के बात करूं तो ये देख सकते हैं L से ये सेकेंड में लगा दिया मैंने, यहाँ देख सकते हैं सेकेंड गियर लग गया है। अब उसके बाद मैं अब गाड़ी चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक बार इसमें गियर सिस्टम भी आपका RPM भी फ्लक्चुएट होगा। ये पहले गियर में चल रही थी गाड़ी, ये दूसरे गियर में है, लेकिन आप देख सकते हैं ये 60 की स्पीड तक आई है और उसके बाद ये RPM बढ़ने लगा है और स्पीड आपकी नहीं बढ़ रही है। तो L2 में ये हो गया कि सेकेंड गियर में गाड़ी चलेगी, जैसे हमें सर्विस मैनुअल गाड़ी चलाते हैं सेकेंड गियर में कि 60 की स्पीड तक हमारी गाड़ी ये चलती है, उसके बाद ये RPM बढ़ने लगता है बहुत स्पीड में, लेकिन स्पीड हमारी जो व्हीकल स्पीड है वो नहीं बढ़ती है। तो ये हमारा था L मोड में, और ये बटन अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ओवर ड्राइव मोड लग गया है, और ये हमारा डी मोड के लिए है कि डी मोड में अगर ओवर ड्राइव मोड लगाते हैं तो ये 3rd स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो आप देखेंगे 3rd स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम, ये पहला गियर, उसके बाद दूसरा और
ड्राइव मोड में, ओवर ड्राइव मोड में ये हो गया है कि ये इसमें आरपीएम स्पीड में भागती है और थर्ड स्पीड गियर में चलती है, और स्पीड तो आपके पकड़ेगी ही पकड़ेगी। उसके बाद 100 के ऊपर देख सकते हैं आरपीएम भागने लगा है, और ये हमारी थर्ड स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम में वर्क करने लगा है ओवर ड्राइव मोड में। अगर हम इसे ओवर ड्राइव मोड को हम बंद करना चाहते हैं, तो ओवर ड्राइव मोड को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना बस सिंपल फंडा ये है कि ये बटन, इस बटन को हम बंद कर देंगे तो उसके बाद ये हमारा ओवर ड्राइव मोड बंद हो जाएगा। अब इसके बाद हम गाड़ी अब चला सकते हैं हम अपनी, पहला गियर और दूसरा गियर। ये बहुत ही हल्का महसूस होता है, अगर फील करेंगे तभी आपको महसूस होगा, अदरवाइज़ इसका जो गियर शिफ्टिंग है बहुत ही कम महसूस होती है। तो ये हमारा ओवर ड्राइव मोड में चल रही है गाड़ी। और इसमें एक चीज़ और है, आप देख सकते हैं रीजनरेशन की लाइट होती है, एक लाइट आपको यहाँ पे जलती हुई भी दिखेगी। जैसे मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो ये वाइट कलर की लाइट जल रही है, इसे बोलते हैं रीजनरेशन की लाइट। तो जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तभी ये लाइट जलती है, अदरवाइज़ ये जलेगी नहीं। तो ये सिस्टम था हमारा 80 के ट्रांसमिशन के बारे में, जो भी था हमारा PR, ND, D, 2 और L के बारे में, और इसके बगल में जो शिफ्ट लॉक है इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। ये जो शिफ्ट लॉक बटन का काम है इसके बारे में बता दूँ, तो अभी आप देख सकते हैं ये बटन मैं दबाया हुआ हूँ और गाड़ी हमारी इग्निशन ऑफ है। तो उस कंडीशन में क्या है, मैं गाड़ी का गियर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो ये शिफ्ट नहीं होगा। तो ये उस जगह काम आता है जब हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है और गाड़ी हमारी पार्किंग मोड से न्यूट्रल मोड में नहीं आ रही है, और गाड़ी को हमको थोड़ा सा साइड करना हो, थोड़ा बहुत चला सकते हैं, ज़्यादा चलाने से अगर गाड़ी हम चलाते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसीलिए इसे कहते हैं कि क्रेन से टो करा के लाना चाहिए गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हो जाए। कभी भी ये नहीं कि आप रस्सी बांध के चलाएँ, तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको क्या करना है, पहले आपको ये दबाना है, उसके बाद इधर से पुश करना है। अब आप देखेंगे तो ये आपका गियर शिफ्टिंग हो गई है, अब आपका गाड़ी जो है का जो ये है आप एन से डी और एल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपकी फिर पार्किंग मोड में अगर चलेगी गाड़ी तो ये फिर से शिफ्ट नहीं होगा, जब तक कि इसको दबा के हम इसे नहीं दबाएंगे, इस बटन को नहीं दबाएंगे। तो ये देख सकते हैं फिर से मैं कर रहा हूँ एक बार, ये मैंने दबाया और इसको मैंने ऐसे दबाया और आप देख सकते हैं ये शिफ्ट हो गया है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, ये आर्टिका गाड़ी के। तो इसमें 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।